हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द अप्रोचेज टू द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो वर्किंग कैपिटल है उसको हमें कौन से सोर्स से जो है फाइनेंस करना चाहिए। और इसके जो रिटर्न नोट्स हैं वो भी मैंने अपने ब्लॉग पे डाल दिए हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है देखो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आता है, जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के अंदर ये बहुत सिग्निफिकेंट टॉपिक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर वर्किंग कैपिटल के चैप्टर के अंदर, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी के अंदर। तो इसके जो रिटर्न नोट्स हैं वो भी मैंने अपने ब्लॉग पर डाल दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल है, जो डे टू डे जो है बिज़नेस को रन करने के लिए हमें चाहिए, एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट होती है, नेट वर्किंग कैपिटल जो होती है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल है जब हमने इसको मैनेज करना है तो उसके लिए क्या हम लोग अप्रोचेज जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। फर्स्ट जो अप्रोच है डैट इज़ द कंजर्वेटिव अप्रोच, सेकेंड जो अप्रोच है डैट इज़ द अग्रेसिव अप्रोच, और जो थर्ड अप्रोच है डैट इज़ दी मैचिंग अप्रोच, फोर्थ जो है डैट इज़ दी ज़ीरो वर्किंग कैपिटल अप्रोच। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कंजर्वेटिव अप्रोच है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। देखो ये जो है बेसिकली रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी है जिसके द्वारा हम जो वर्किंग कैपिटल की फिनांसिंग करते हैं। फिनांसिंग का अर्थ होता है कि वर्किंग कैपिटल के लिए जो हमें फ़ंड चाहिए वो कौन से सोर्स से आने चाहिए, लॉन्ग टर्म से आने चाहिए कि शॉर्ट टर्म से आने चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो कंजर्वेटिव अप्रोच है जब हम इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं तो यहाँ पे होता है कि हमने हायर करंट एसेट जो है उसका स्टॉक अपने पास रखना है और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। और यहाँ पर बेसिकली जो हमारी वर्किंग कैपिटल के अंदर जो फिनांसिंग होती है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज जैसे इक्विटी शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, प्रेफरेंस है, लॉन्ग टर्म लोन है। तो यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल जो करंट एसेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसकी जो फाइनेंसिंग होती है उसके लिए जो पैसा अरेंज किया जाता है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आता है। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो रिस्क एसोसिएटेड होता है शॉर्ट टर्म, क्योंकि अगर हम शॉर्ट टर्म फंड्स लेते हैं तो उसकी मैच्योरिटी जल्दी होती है तो हमें जल्दी उनकी पेमेंट करनी पड़ती है, तो जो उसके साथ रिस्क जुड़ा होता है वो ख़त्म हो जाता है। शॉर्ट टर्म सोर्सेज जो होते हैं वो सिर्फ एमरजेंसी के लिए यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ पे देखो जो कंजर्वेटिव अप्रोच है ये कहते हैं कि जो फिक्स एसेट है, जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, इवन जो टेम्प्रेरी हमें सीजनल वर्किंग कैपिटल चाहिए वो लॉन्ग टर्म फंड से जो है फिनांस होनी चाहिए और बाकी जो है वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज से लेनी चाहिए। और यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल का है कि जिसके अंदर हमने रिस्क को मिनिमाइज करना है उस ऑब्जेक्टिव को हम मैच करते हैं। और इसके अंदर देखो जो कंजर्वेटिव अप्रोच है इसके अंदर हम जो फिनांसिंग करते हैं फिक्स एसेट की फिनांसिंग भी लॉन्ग टर्म से, जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसकी भी, और जो टेम्प्रेरी वर्किंग कैपिटल है उसका भी जो पार्ट है लॉन्ग टर्म फंड से यूज़ किया जाता है। तो शॉर्ट टर्म फंड्स के अंदर क्या होता है कि जो टेम्प्रेरी हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है उसकी फिनांसिंग जो होती है वहाँ से होती है। तो इसको हम डायग्रामेटिकली भी जो है इस तरह से शो कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर क्या है कि देखो फिक्स एसेट जो है उसकी फिनांसिंग तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म से ही होती है, जो परमानेंट करंट एसेट है उसकी भी फिनांसिंग जो होती है लॉन्ग टर्म से होती है, इवन जो बेसिकली टेम्प्रेरी करंट टेम्प्रेरी वर्किंग कैपिटल होती है उसकी भी लॉन्ग टर्म से होती है, और बाकी जो जितनी भी कुछ पार्ट जो है टेम्प्रेरी वर्किंग कैपिटल का वो शॉर्ट टर्म से फिनांस किया जाता है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि देखो इसके बेनिफिट ये होते हैं कि जब हम लॉन्ग टर्म से करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा होती है, करंट एसेट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होती है, तो यहाँ पे बहुत सारी इन्वेंट्री होती है, तो जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हम बड़ी आसानी के साथ जो है कर सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर हम शॉर्ट टर्म फंड से करते हैं तो नेचुरली उनके अंदर क्या होती है कि जब हम चीज़ें मंगवाते हैं तो उनके अंदर डिले हो जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि हम ज़्यादा लेवल जो है ज़्यादा स्टॉक जो है अपने पास रख सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो जब हम लॉन्ग टर्म से फिनांसिंग करते हैं तो शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता है कि मैच्योरिटी डेट भी जल्दी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को चुकाने के लिए हमें जल्दी फ़ंड चाहिए होते हैं। तो अगर वहाँ पे लॉन्ग टर्म से करते हैं तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हाई लेवल ऑफ कैश और वर्किंग कैपिटल जो होती हैं वो बेसिकली जो
रिस्क ऑफ रीफिनांसिंग का, अगर हम शॉर्ट टर्म पे करते हैं तो हमें दोबारा से रीफिनांस करना पड़ता है, तो नेचुरली वो रिस्क जो होता है लॉन्ग टर्म फंड से जब हम वर्किंग कैपिटल की फिनांसिंग करते हैं तो नहीं होता। और उसी तरह हम देखते हैं कि जब हम लॉन्ग टर्म से करते हैं तो नेचुरली लॉन्ग टर्म जब फंड्स हम यूज़ करते हैं तो इनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। और देखो लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास फंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कई बार उतने फंड जो होते हैं चाहिए भी नहीं होते जितने कि आइडल पड़े रहते हैं, और ये भी नहीं होता कि लॉन्ग टर्म को जब हम चाहे दे सकें, क्योंकि इनकी भी कुछ होता है कि कुछ पीरियड के बाद ही ये रिपेड हो सकते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि अगर हम इन्वेंट्री के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं या डेटर को हम रिलैक्स मैनर के जो है क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट जो है बढ़ जाती है, और जिस जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को भी कम कर देती है। और देखो यहाँ पे क्या होता है कि देखो ये उन सिचुएशन के अंदर जहाँ पे मार्जिन लो होते हैं और अगर हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से उनके फिनांसिंग करते हैं तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि वर्किंग कैपिटल को सही ढंग से जो है मैनेज नहीं किया। और उसी तरह ही हम देखते हैं हेजिंग जो सेकेंड अप्रोच है, हेजिंग या मैच्योरिटी स्ट्रेटजी। देखो यहाँ पे होता है कि अगर हमने शॉर्ट टर्म से लिया है, शॉर्ट टर्म बेसिकली अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए हमें शॉर्ट टर्म सोर्स जो यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे ईच ऑफ़ दी एसेट वुड बी फिनांस बाय डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ द सेम मैच्योरिटी। यहाँ पे हम जो जो भी एसेट है उसकी मेच्योरिटी के साथ जो है उसी तरह का इंस्ट्रूमेंट जो होता है उससे फिनांसिंग करते हैं। अगर कोई एसेट जो है वो 30 डेज में मेच्योर हो रही है तो उसकी जो पेमेंट ऑफ डेट है उसकी भी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जो होगी ऑलमोस्ट 30 डेज के बाद होगी। तो यहाँ पे जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि जो परमानेंट कंपोनेंट ऑफ द करेंट एसेट है, फिक्स एसेट है, ये तो लॉन्ग टर्म फंड से, और बाकी जो टेम्प्रेरी वर्किंग कैपिटल है वो शॉर्ट टर्म से होनी चाहिए। तो शॉर्ट टर्म और सीजनल वेरिएशन जो होती है करंट एसेट की वो शॉर्ट टर्म फंड से जो है फिनांस होनी चाहिए। और उसी तरह हम हेजिंग स्ट्रेटजी के अंदर देखते हैं कि देखो फिक्स एसेट की फिनांसिंग तो लॉन्ग टर्म से ही होती है, और जो परमानेंट करंट एसेट है उसकी भी फिनांसिंग जो है लॉन्ग टर्म से ही होती है, और बाकी जितनी हमें सीजनल वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है वो हमें शॉर्ट टर्म जो है फंड से यूज़ करनी पड़ती है। और उसी तरह देखो यहाँ पे भी हम इसको डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं कि देखो जो फिक्स एसेट है और जो परमानेंट करंट एसेट है इसकी हमें लॉन्ग टर्म करनी चाहिए, और जो वर्किंग कैपिटल टेम्परेरी है इसकी हमें शॉर्ट टर्म करनी चाहिए। और उसी तरह देखो ये जो दोनों अप्रोचेज़ हैं ये एक एक्सट्रीम अप्रोचेज है। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि देखो जो कंजर्वेटिव है वो कहती है कि लॉन्ग टर्म से करो, और ये कहती है कि जो शॉर्ट टर्म है वो शॉर्ट टर्म से करो। तो ये बिल्कुल क्या है कि देखो जो हेजिंग अप्रोच है ये लो कॉस्ट हाई प्रॉफिट एंड हाई रिस्क को जो जन्म देती है। कंजर्वेटिव के अंदर क्या होता है कि कॉस्ट हाई होती है, प्रॉफिट कम होता है और रिस्क लो होता है, और ये दोनों ही अप्रोच जो होती हैं एक्सट्रीम होती हैं और एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो पर्पज़ है उसको सर्व नहीं करती। तो यहाँ पे हम बैलेंस करते हैं, और ये बैलेंस जो होता है केस टू केस डिफर करता है। तो इसके अंदर एक मैथड जो है कि जो हमें मैक्सिमम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है हम मिनिमम वर्किंग कैपिटल निकालते हैं, उसकी एवरेज रिक्वायरमेंट जो है निकालते हैं, उस एवरेज रिक्वायरमेंट को क्या होता है कि हम लॉन्ग टर्म फंड से जो है फिनांस करते हैं। जैसे मान लो 20,000 है और 5,000 है तो उसका हम एवरेज निकाल लेंगे, तो एवरेज जो है हम लॉन्ग टर्म फंड से करेंगे, और मान लो वहाँ पे हमारा एवरेज जो होता है 20 आता है, अदरवाइज हमें 30 की चाहिए, तो एवरेज 20 आता है तो 20 जो 1,000 है वो हम लॉन्ग टर्म से करेंगे, जो बाकी 10,000 है वो हम शॉर्ट टर्म फंड से करेंगे। तो इस तरह से क्या है कि हम ये मेथड अडॉप्ट करके जो है दोनों अप्रोचेस के अंदर जो है बैलेंस ला सकते हैं। और उसी तरह देखो जो अग्रेसिव अप्रोच है, देखो जैसे नाम से है अग्रेसिव, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो जितनी भी हमें करंट एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज से करनी चाहिए, इवन जो फिक्स एसेट है उसका कुछ पार्ट जो होता है वो भी हमें शॉर्ट टर्म से करना चाहिए। तो ये जो बेसिकली अग्रेसिव अप्रोच जो है ये ज़्यादा रिस्की है, लेकिन ये क्योंकि शॉर्ट टर्म से जब हम लोन लेते हैं तो ये लेस कॉस्टली होते हैं और ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। तो इसको भी हम इस तरह डायग्रामेटिकली जो है शो कर सकते हैं कि देखो जो हमारा बेसिकली क्या है कि देखो यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म फंड से क्या होता है कि जो हमारी करंट एसेट तो हम करते करते हैं, कुछ हिस्सा जो फिक्स एसेट का वो भी हम शॉर्ट टर्म से करते हैं,
और उसी तरह हम लास्ट के अंदर देखते हैं कि ज़ीरो वर्किंग कैपिटल अप्रोच। देखो, ज़ीरो वर्किंग कैपिटल अप्रोच का अर्थ होता है कि जितनी करंट एसेट्स हैं उतनी ही करंट लाइबिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे हम ज़ीरो वर्किंग कैपिटल रखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जितनी ज़रूरत है उतने फंड्स रखो, ज़्यादा ना रखो। तो इससे हम अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है उसको हम सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे नेचुरली वर्किंग कैपिटल साइकिल जो होता है उसकी स्मूदिंग हो सकती है। यहाँ पे जो करंट रेशो होता है वो 1 होता है। लेकिन देखो, ज़ीरो वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या है कि देखो, ये वहीं पे सूटेबल होती है जहाँ पे क्या होता है कि हमारी करंट लाइबिलिटी जो होती हैं, बेसिकली जो करंट एसेट्स होते हैं, बहुत जल्दी सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। और यहाँ पे हमारी जो क्रेडिट पे सेल होती है वो बहुत जल्दी रियलाइज हो जाती है। और क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर हम इस तरह की अप्रोच अडॉप्ट करते हैं तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो नेचुरली ये वहीं पे यूज़ करनी चाहिए जहाँ पे करंट एसेट जो होते हैं बहुत जल्दी सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल हमारे अच्छी क्वालिटीज़ के होते हैं। और ज़ीरो वर्किंग कैपिटल से क्या होगा कि हमें जो है जितनी करंट एसेट्स है उतनी करंट लाइबिलिटीज़, उससे ज़्यादा फंड्स हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। और हम अपनी जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनको बेटर तरीके से जो है मैनेज कर सकते हैं।